हाँ जी, क्या हाल चाल आप सभी के। मैं आपका भाई रस पठान दोबारा आ गया एक और बहुत बेहतरीन ब्लॉग के साथ। जी टोपी से आपको अंदाजा हो गया होगा कि भैया रमजान स्टार्ट हो गए हैं और आज के दिन हमने रखी है अपने सारे दोस्तों की दावत। ये सीन है कि मतलब मैंने किसी को कॉल पर्सनली नहीं करा, जो ग्रुप बने हुए मैंने सबको मैसेज कर दिया कि भाई आना है, दावत है दावत है, तो सब आएंगे। और भाई दिल्ली में 42 टेम्परेचर चल रहा है, अभी महीना ही क्या है, जून जुलाई में तो मतलब ये जाएगा 50-60 पार इस बार। तो भाई साहब बेहतरीन गर्मी हो रही है, और आप कहाँ से देख रहे हो वहाँ कैसी गर्मी है मुझे ये भी बताना। और हमारा एसी फाइनली चल चुका है, एसी स्टार्ट हो चुका है, पर गर्मी भाई इस बार रिकॉर्ड तोड़ देगी मुझे लग रहा है। ये अभी किचन में देखो प्लेटें निकली हैं आज मेहमानों के लिए। और जी यहाँ कुछ हमने बंदोबस्त देखो ऐसा होगा, अरे लाइट ये देखो जी, ये सेटअप हो चुका है, अभी खाली है, यहाँ पर खाने की चीज़ें भर जाएंगी। तो जी अभी तो कुछ है नहीं करने को, 3:30 बज रहे हैं, अभी थोड़ी देर बाद जाएंगे सामान वामान लेने के लिए, और रोज़े में बंदा क्या ही कर सकता है। तो अभी हम लेटे हुए हैं, ग्रुप पे मैंने दोबारा मैसेज कर दिया, मैंने कहा भाई आ जाना, और अब देखते हैं कौन कौन आता है कौन कौन नहीं। तो जी प्लेटें और बढ़ चुकी हैं और अब हम बाहर जा रहे हैं सामान लेने के लिए। और ना दोस्त कंफ्यूज हो गए, मतलब ऐसा होता है, मतलब ये भी मैंने बस ऐसे गेट टुगेदर के लिए दावत रख ली, दोस्त ना फोन करके पूछ रहे हैं भाई है किस खुशी में, मतलब क्या है, शादी हो गई है भाई। मैंने कहा भाई कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे गेट टुगेदर हो जाएगा इसलिए मैंने दावत रखी है। वो मान ही नहीं, कह रहे नहीं भाई तेरा रिश्ता लग गया। अरे मैंने कहा भाई तुम्हारी ऐसी कैसी मारूं। तो भाई अभी हम जाते हैं, कुछ लाकर आते हैं, मम्मी से पूछते हैं क्या क्या चीज़ें लानी है, और फिर मिलते हैं। जी हम सामान लेकर आ गए हैं और आप ये देख सकते हैं थोड़ी चीज़ें और बढ़ चुकी हैं। तो जी दावत की तैयारी शुरू हो चुकी है, क्या बन रहा है हमें? अच्छा ये तो सब्जी बन रही है, आलू कट रहे हैं, ये तेल गरम हो रहा है। आज कितना सारा खाना, ज़्यादा खाना बनाना पड़ेगा आज? अरे बहुत सारे लोग हैं, बहुत खाते हैं। और बाहर से भी लेके आएंगे, अभी क्या टाइम हो रहा है, अभी नहीं थोड़ी देर बाद लेके आएंगे बाहर से। अभी दादी क्या कर लगी हो, ये का काम चल रहा है, बेसन हो रहा है। तो जी आप कहते हो दादी को दिखाया करो, दादी खुद नहीं आती, मैं तो चाहता हूँ दिखाना। और आपने बहुत लोगों से लिए अलॉय बोला है, भाई मैं अलॉय ढूंढ रहा हूँ, जैसे ही मिलेंगे वो लग जाएंगे इसमें। भाई साहब ये मानो कि आज बाहर के इतने चक्कर लग चुके हैं ना हद से ज़्यादा, क्योंकि भाई एक एक चीज़ एक एक बारी को लाता हूँ, फिर कुछ भूल जाता हूँ, फिर दोबारा चक्कर लगाता हूँ, बुरा हाल हो चुका है, रोज़ा बिल्कुल लगने लगा है अब। ठीक है बोला ज़्यादा जा नहीं रहा है, एकदम सर अजीब सा सुन हो रखा है इस टाइम मामला। और चक्कर अभी दो और लगने हैं, एक बार लगना है खाने को लेके आना है, उसके बाद रोटी के लिए। अरे भाई साहब गलत टाइम पर दावत रख ली मैंने, गलत सोचा कि गेट टुगेदर हो जाएगा, पर कोई बात नहीं, चलो अब सोच लिया है तो सही लेंगे। क्या बात है, डेली बनाया करो ना ये तो, आज गुल मीठा, अच्छा मीठे वाले तुम डेली तो बनाते नहीं हो, आज मेहमान आ रहे हैं तुम नई चीज बना रही हो। अरे बच्चे खुश हो ये रहे, वो है तुम्हारी डिस्क्रिमिनेशन कर रही हो। अच्छा ये है प्याज कटी हुई है, आलू की पकौड़ी और कम पड़ जाएंगी, तो और करो और काटूंगे। सही है, वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है भैया, फुल पावर पार्टी देख लो, अगर तुम जो आए थे वो देख रहे हो ना, देख लो कितनी मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे लिए खाने के लिए। दोस्त का कॉल आ रहा है, मैं आपसे खुद सुनवाता हूँ, ये बहुत लोगों का आ चुका है, ये भी शायद यही पूछेगा। हेलो हेलो कब तक आओगे? मियां अबे आ तो अभी जाएंगे 6 बजे करीब, पर है किस खुशी में ये तो बता, शादी वादी तो नहीं हो रही तेरी? अबे गेट टुगेदर भाई, गेट टुगेदर, शादी वादी नहीं हो रही, ऐसी जस्ट फॉर फन। टुगेदर भाई मियां भाई ईद में तो नहीं हुआ गेट टुगेदर, अभी कैसे कर रहे हो गेट टुगेदर? कुछ अबे, तो अबे कुछ नहीं है भाई, ऐसी है जस्ट फॉर फन। शकील भाई से बात करनी पड़ेगी। अरे भाई वो करके देख लेना, बाकी कब तक आओगे? पहुंच जाएंगे यार 5-6 बजे तक पहुंच जाएंगे सारे। ठीक है भाई ठीक है, खाली पेट आना भाई, बिल्कुल सुबह से कुछ नहीं खाया मैंने, बस चल यही सुनना था। ओके बड़ी चलो ठीक है, मिलते हैं। ओके भाई भाई सबको मतलब ये डाउट हो रहा है कि पार्टी है किस खुशी में, समझ नहीं आ रहा। मतलब वैसे देखा जाए तो बात भी अजीब सी है कि मतलब अचानक से ऐसे सबकी दावत कर दी, पर मैंने तो ये सोच के करा था, मैंने कहा चलो भाई गेट टुगेदर हो जाएगा, इसी बहाने पार्टी कर लेते हैं, पर लौंडे कंफ्यूज हैं कि भैया कुछ तो गड़बड़ा है। तो जी टाइम हो चुका है, पहले खाना खा लें, क्योंकि सुबह से हम तो भूखे हैं, तो खा के आए, फिर आपसे मिलते हैं। नहीं भाई मैंने भी नहीं खाया, चलो खा लो खाना। तो जी जस्ट अभी रोज़ा खोला है, और रोज़ा खुलते ही थोड़ी देर में लेटता हूँ, मेरा मतलब ऐसे रूटीन बना हुआ है, और वहाँ पर मैंने डिस्टर्ब नहीं करा उनको, मैंने कहा भाई तुम खाओ मौज लो। मतलब पहली बार ना मेरा घर मुझे अपना खुद को छोटा लग रहा है, क्योंकि सारे बंदे एक जगह आके नहीं बैठ पा रहे,
क्या गिरा है, उन्होंने प्लेट व्लेट तोड़ दी शायद। सारे बंदे एक जगह नहीं बैठ पा रहे, एक बाहर बैठा है, बाकी उधर बैठे हैं, ऐसे बुझ बुझ के बैठे हैं। मैंने कहा ठीक है तो चलो भैया रोटी लेने जाते हैं। रोटी वाले को मैंने कहा था भाई नंबर दे दे अपना, पहले फोन कर दूंगा, अब वो फोन नहीं उठा रहा है, वहीं जाके वेट करना पड़ेगा। लो भाई रोटी लाओ, दे दो अंदर, जगह फुल हो गई, वरना एक लड़का यहाँ पर बैठा हुआ है, यहाँ पर लेटे हैं। लाओ ये लो जी वेज, नॉन वेज खिला दिया तो लो भाई फिर नॉन वेज ये भी रख दे, तेरी खा लेगा कोई तो खा लेगा। खा ले और खा ले थोड़ा भाई, बस भर गया। अब तू बैठ जा, तू बैठ जा, लड़का वेटिंग पे खड़ा हुआ है। आ जा भाई, आ जा, ये बैठ जाएगा। अरे मत करो डीजे, डीजे आ गए पीछे हमारी, ऐसी बहुत है बच्चे डर जाते हैं। हंसते लग गए चलो जी ओके, मिलते हैं जिम में। चलो जी चलो, हो गई मेरी तरफ से दावत, हो गई ठीक है भाई, अब कोई नहीं बोलेगा, अब कोई नहीं बोलेगा है। नहीं नहीं मेरा रिश्ता लग गया उसकी दावत है, ठीक है भाई, जस्ट किडिंग, जस्ट किडिंग। ओके चलो गाइस, ओके भाई चलो भाई चलो एंजॉय। तो जी सब चले गए हैं, दावत हो गई, मतलब ये मानिए यार पहली बात मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे ना अपना घर छोटा लगा, क्योंकि 12-13 लोग थे और एक जगह बैठ नहीं पाए थे, दो जगह दो लोग खड़े थे, और मेरा तो मतलब ये मानिए भागा दौड़ी में, रोटी लेकर आया, रोजा खोलते ही फिर ये वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, पर चलता है यार, देखो खुशी सब खुश होके गए, ये हमारे लिए वो है प्लस पॉइंट। और मम्मी मम्मी कह रही कितना खाते हैं तेरे दोस्त, मैंने कहा अभी और होता वो भी खा जाते हैं। अरे तो ये तो कोई नहीं, चलता है ठीक है। तो ये व्लॉग यहीं पे एंड होता है, आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो इस व्लॉग को लाइक शेयर कमेंट करें बिना मत जाना, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए टेक केयर, लव यू, बाय।